भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। सो सभी वाईफाई स्टडी स्टूडियोज को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ के साथ 7 मिनट ट्रिक्स का जो चैनल है स्टार्ट हो चुका है, लॉन्च हो चुका है, तो इसे भी आप क्या है सब्सक्राइब जरूर करिए 7 PM, ठीक है। और साथ के साथ लाइव टेस्ट डिफेंस एग्जाम चैनल अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। और आप सभी को पता है कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा बच्चों, जितने बच्चे देख रहे हैं थंबनेल तो आप सभी ने देखा होगा। थोड़ा सा कंसेप्ट है जिसको हमें समझना जरूरी है। देखिए आप सभी जानते हैं साइंस जो एक ऐसा सब्जेक्ट है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर चीज का सॉल्यूशन निकालता है, ठीक है। COVID-19 का भी सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश हो रही है, एंटीडोट बनाने की कोशिश हो रही है, वैक्सीन बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ में नहीं, ठीक है। और अगर मैं COVID-19 की बात करूं तो बच्चों अभी तक एकमात्र सोर्स जो अगर मैं कह सकता हूं या कोई भी कहेगा वो है सोशल डिस्टेंसिंग, कि आप दूर रहिए किसी से भी अगर COVID-19 से संक्रमित, ठीक है। तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप क्या है यूज में ला सकते हैं और COVID-19 से बच सकते हैं। और इससे इसके लिए बहुत सारे सॉल्यूशन है, जिसमें से इसके ऊपर भी एक डिबेट चल रही है कि क्या विटामिन डी जो है इस जो इतनी सारी चीजों के सोर्स से मिलता है, विटामिन डी क्या COVID-19 का एक सॉल्यूशन के रूप में साबित हो सकता है। तो दिमाग में रखिएगा, इस डिबेट को ही हमें समझना है कि स्टॉप करने के लिए, COVID-19 से बचने के लिए क्या विटामिन डी एक सॉल्यूशन के तौर पे आ सकता है। तो बच्चे डिबेट को देखते हैं एक बारी, क्या कंसेप्ट क्या है, क्या इशू है, किस चीज को हमें समझना है, देखिएगा एक बारी समझिएगा। देखिए अगर मैं विटामिन डी की बात करूं तो सबसे पहली चीज विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल है, ठीक है। फैट सोल्यूबल है जो कि हमारी बॉडी में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्रूशियल रोल क्या है, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है विटामिन डी का हमारी बॉडी में, ये हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रोंग बनाता है। अगर हम इन सब चीजों का सेवन कर रहे हैं, इन सब चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे हम एग खाते, मीट खाते, वेजिटेरियन में हम सोयाबीन खाते हैं, ये सब चीजें क्या है, विटामिन डी का सोर्स होता है। अब ये विटामिन डी का जो सोर्स होता है ये क्या करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। बच्चे COVID-19 एक वायरस है, और ये किस वायरस से है, ये कोरोना वायरस फैमिली से है। अगर मैं कोरोना वायरस की बात करूं ना तो उसमें जुकाम भी होता है और खांसी भी होता है। हमें जुकाम कब होता है, जब हमारा इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर होता है ना, तो उसकी वजह से हमें जुकाम होता है। सेम COVID-19 का केस है, अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपको जल्दी COVID-19 होने के चांसेस है, अगर आप किसी भी संक्रमित व्यक्ति के उसमें आते हो, कॉन्टेक्ट में आते हो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि विटामिन डी, पॉइंट ये है कि विटामिन डी एक अल्टरनेटिव नहीं है, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन विटामिन डी में हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द न्यू कोरोना वायरस, ठीक है। रिड्यूस कर सकता है रिस्क को किस तरीके से, हमें ना इसी चीज पे एक क्वेश्चन मार्क है कि हाउ विटामिन डी अफेक्ट द इम्यूनिटी हेल्थ, इम्यूनिटी हेल्थ पे कैसे इफेक्ट करता है, और ये सब जो न्यूट्रिएंट है ये सब किस तरीके से कोरोना वायरस को कंट्रोल में ला सकते हैं। आप सभी को पता है COVID-19 की बात करें तो एक तरीके से वो रेस्पिरेशन से भी रिलेटेड है, रेस्पिरेशन से भी रिलेटेड है, जो COVID-19 है रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। और विटामिन डी जो है अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि विटामिन डी एक तरीके से रिस्क कंट्रोल को करता है, ठीक है। इसका बहुत सारे पॉइंट है जिसको हमें देखना पड़ेगा विटामिन डी से रिलेटेड कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डिसीज इन बॉडी, वो क्या है, विटामिन डी, जो कि हम क्या है कंज्यूम करते हैं, ठीक है, कंज्यूम करते हैं। और साथ के साथ विटामिन डी करता क्या है, इट हैज बोथ एंटी इन्फ्लेटरी एंड इम्यूनो रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज, यानी कि इन्फ्लेटरी एंटी इन्फ्लेटरी, यानी कि अगर हम किसी भी चीज को, अगर हमें बहुत ज्यादा जलन मस्ती है तब भी हम विटामिन डी कंज्यूम करते हैं। साथ के साथ अगर हम बात करें हमारी इम्यूनिटी को रेगुलेट करने के लिए कि हमारे बॉडी में क्षमता बनी रहे बीमारियों से बचने के लिए, उसका भी काम कौन करता है, विटामिन डी ही करता है। लिटरली डॉक्टर बस ये कहते हैं, डॉक्टर लिटरली कहते हैं विटामिन डी एक नेचुरल रिसोर्स है सभी बीमारियों से बचने के लिए। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो डेफिनेटली उनका यही काम होता है, यही बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इम्यूनिटी सेल्स की जो फंक्शनिंग है इसको इंक्रीज करता है। टी सेल जिसमें से एक है, ये टी सेल क्या है, जैसे टी लिम्फोसाइट्स और ये सब से जो वायरस है, एड्स का वायरस है, इसको भी कंट्रोल करने के लिए कंज्यूम करते हैं टी सेल्स, ठीक है। ऐसे ही मैक्रोफेजिस को भी क्या है, स्ट्रोंग बनाता है, ठीक है। ये
प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को पैंथोजन्स के अगेंस्ट। दिमाग में रखिएगा, एक फैट सोल्यूबल है, पहली बात तो ये फैट सोल्यूबल है, तो हमारी बॉडी में क्या है, सोल्यूबल जो है मिक्स बड़ी जल्दी हो जाएगा, जिसकी वजह से विटामिन डी एक्ट जल्दी करता है। जितने भी अगर वायरस आते हैं तो उस पर एक्ट बहुत ज्यादा जल्दी करेगा, हमारे इम्यून सेल को तेज करेगा, जिसमें से एक एग्जांपल टी सेल है, जिसमें एक एग्जांपल माइक्रोफेज है, जो कि आपसे सवाल में भी आ सकता है। ये भी आ सकता है सवाल में कि विटामिन डी किस तरीके का सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल है कि नहीं है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, दिमाग में रखिएगा। साथ के साथ अगर मैं बात करूं विटामिन डी क्या है, करंटली पूरा जो विश्व भर में सारे ट्रीटमेंट चल रहे हैं कोविड 19 को रोकने के लिए, अभी तक कोई भी जो है सॉल्यूशन नहीं मिला है, वैक्सीन नहीं मिली है, लेकिन इस चीज पे भी स्टडी चल रही है कि क्या विटामिन डी सप्लीमेंट्स क्या है कोविड 19 को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल स्टडीज ये कहती है कि खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इट कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग रेस्पिरेटरी इलनेस इफ यू डोंट कंज्यूम विटामिन डी। सवाल बस इतना सा है कि विटामिन डी अगर आप नहीं कंज्यूम करते, इसकी कमी होती है, तो इम्यूनिटी खत्म होने वाली है। इम्यूनिटी खत्म होगी तो डेफिनेटली जो कोविड 19 है उसका अटैक आप रिस्क में ज्यादा आ जाएंगे। कंज्यूम क्या करें विटामिन डी को इंक्रीज करने के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, आप जितने भी फ्रूट्स हैं इसको कंज्यूम कर सकते हैं। विटामिन सी भी होता है, एग्जैक्टली क्वेश्चन ये भी है कि विटामिन कंप्लीटली क्या हेल्प कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप विटामिन सी भी कंज्यूम कर सकते हो, जैसे जो ग्रेप्स है, ग्रेप फ्रूट जितने खट्टे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स, कैरेट, चिमनॉन, ये सब बेरीज, मशरूम, जितनी भी चीजें हैं, वाटरमेलन जो हम कंज्यूम करते हैं, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। ठीक है, आप जैसे जूस पीते हैं तो वो क्या करता है, इम्यूनिटी को एकदम से बूस्ट करता है, और वो बहुत ज्यादा सोल्यूबल होता है तो वो जल्दी बूस्ट करता है। तो डेफिनेटली समरी ये कहती है कि विटामिन डी सप्लीमेंट रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ डेवलपिंग कोविड 19। ठीक है, अगर बच्चे आपको विटामिन डी की कमी है तो कोविड 19 होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो विटामिन डी की कमी मत होने देना। ठीक है, विटामिन डी कंज्यूम करते रहो, ये सब चीजें कंज्यूम करते रहो, इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी तो कोविड 19 अगर आपको कभी खुदा ना खास्ता अगर होता भी है तो यू विल रिकवर इजिली, इम्यूनिटी स्ट्रांग, यू विल रिकवर इजिली। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए, और कोविड 19 से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना, दोनों चीजों को अपना बनाए रखिए, जिससे कि आप सेफ रहेंगे। कोरोना खत्म होने में वैक्सीन कब आए कब नहीं आए उसका अभी पॉसिबल नहीं है कुछ भी, लेकिन हमारी तरफ से दो चीजें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना। दो चीजें करी जाए तो हम बच सकते हैं, पूरा भारतवर्ष बच सकता है, और ऐसे ही पूरी दुनिया भी कोविड 19 से बच सकती है। तो सेफ रहिए, स्टे एट होम, स्टे सेफ, पढ़ाई करिए अपनी, ठीक है, और साथ के साथ टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ज्वाइन कर लीजिए अगर आप और मेरी क्लासेस को चाहते हैं, लिंक लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और स्टे होम। बाय बाय।